दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं फोटो के अंदर कलर चेंज करना। हम इजीली किसी भी फोटो के अंदर शर्ट या पैंट या किसी भी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं इजीली। अगर आप लोग फोटोग्राफी के शौकीन हो तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखना और एंड तक वीडियो को देखने के बाद आप समझने की कोशिश जरूर करना एक बार। चलो मैं आप लोगों को एक दो सैंपल दिखा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओशन क्लिक के। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सैंपल दिखा दिया कैसे हम फोटो एडिट करने वाले हैं। आज फोटो के अंदर कैसे हम कलर चेंज करेंगे एकदम इजीली। आप लोग एक बार वीडियो को पूरी देखना, पूरी ना देखने से पहले कमेंट मत करना। अगर आप लोग वीडियो को पूरी देखोगे तभी आपके वीडियो समझ में आने वाली है। तो दोस्तों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कलर चेंज पिकार्ट या स्नैपचैट किसी भी एप्लीकेशन से हम कर सकते हैं अगर उसमें इरेज करने का टूल है। तो हम लोग क्या कलर चेंज करेंगे तो फेस पे कलर आ जाएगा। तो फेस पे हम कलर हटा सकते हैं, फेस पे इजीली हम इरेज करके कलर हटा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को पूरी स्टेप बताऊंगा। और हम लोग लाइटरूम या पिकार्ड स्नैपचैट जो भी एप्लीकेशन है एडिटिंग से रिलेटेड उसकी हम मैं क्लासेस या पार्ट्स में वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहिए, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ए टू जेड मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो क्लासेस लाने वाला हूँ। लाइटरूम अगर आप लोग को लाइटरूम आपने इंस्टॉल कर लिया, अगर आप लोगों को चलाने ही नहीं आता लाइटरूम तो भी मैं आप लोगों के लिए लाइटरूम की फुल ए टू जेड वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल पे जरूर बने रहिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मैं एक दो दिन में ये क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। पहले हमें ओपन करना है पिक आर्ट एप्लीकेशन को। तो दोस्तों हमारा पिकार्ट एप्लीकेशन ओपन हो गया। आप लोग साइड में स्क्रीन पे किधर भी देख सकते हो, स्क्रीन के एकदम बीचों बीच भी लगा दूंगा मैं कैसे एडिटिंग करूंगा, कैसे हम पूरी वीडियो सीखेंगे बनाना। तो दोस्तों एकदम इजी ट्रिक है, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें पहले फ़ोटो एड कर लेता हूँ। कौन सी हम फोटो एडिट करेंगे, प्लस आइकन दिख रहा है आपको, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं एक अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ जो मैंने बैक वीडियो बनाई थी उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया। वो स्क्रीनशॉट मैं एक बार ले लेता हूँ इसके अंदर। फिर हमें क्या करना, इफेक्ट के अंदर जाना है। इफेक्ट के अंदर जाने के बाद ये नीचे देखिए कितने सारे फिल्टर्स आ रहे हैं। इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं पर फिल्टर तो मेरे हिसाब से इतने अच्छे फिल्टर नहीं है जितना हम फोटो का लाइटरूम में रिटच करते हैं। उससे तो बेस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है फोटो एडिटिंग के मामले में। फोटोशॉप भले ही बेस्ट है पर फोटोशॉप पीसी के लिए बेस्ट है, पीसी मतलब डेस्कटॉप के लिए। तो इसमें क्या करना है, हमें कलर्स वाले टैब के अंदर जाना है। कलर्स वाले टैब के अंदर जाने के बाद ये देखिए कलर, इसमें इतने सारे कलर्स आ रहे हैं। ह्यू मतलब ये कलर चेंज कर देगा एकदम एग्जैक्ट। हम इसको इरेज फेस से भी इरेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार पूरी डिटेल दिखा देता हूँ। ये कलर चेंज तो हमारे देखिए, इसके अलावा ये देखिए मतलब इस कलर को रखेंगे। ये तो पिकर ऐसा है कि इसको जहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे वो ये कलर रखेगा। मैं एक बार चेक दिखा देता हूँ आपको। जैसे वाइट पे सेलेक्ट किया मैंने, वाइट का कलर चेंज हो रहा है, वाइट का कलर, वाइट के अलावा कलर रह रहा है। तो मैं अगर इसको अगर फेस पे सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए फेस के अलावा कलर चेंज हो रहा है मेरा। ये मैं सेकेंड वाला लेता हूँ, कलर रिप्लेस। कलर रिप्लेस मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। इस पे देखिए मैं टी शर्ट पे लेके आ रहा हूँ इसको, फिर ये देखिए तुरंत चेंज हो रहा है। मैं एक बार इसमें इरेज कर देता हूँ, इसमें फेस और सिर्फ टी शर्ट को रखता हूँ मैं एक बार ताकि ये कलर सिर्फ टी शर्ट पे ही आए। ऊपर देखिए रबड़ का ऑप्शन आ रहा है, रबड़ पे हमें क्लिक करना है। रबड़ मतलब आप लोग समझते हो गए, हम लोग स्टार्टिंग से रबड़ वगैरह जानते हैं, रबड़ पेंसिल यूज करते हैं तो वो इसमें रबड़ आता है, पेंसिल भी आती है। तो ये देखिए मैं इन्वर्ट कर देता हूँ एक बार, फिर इन्वर्ट तो नहीं करता, एक बार क्लॉथ पे सेट क्लिक कर देता हूँ मैं। इस पर क्लॉथ ये सेट नहीं हो रहा, मैं इरेजर पे इरेजर से फटाफट इरेज कर देता हूँ। दोस्तों हमने इरेज कर लिया टोटल, मैंने ढंग से इरेज नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको तुरंत। इस पर हमें वापस क्लिक करना है, ये तीन एडजस्ट करने वाली लाइन आ गई। तो दोस्तों इन तीन लाइनों में से ऊपर वाला कलर ह्यू मतलब रिप्लेस ह्यू, इससे कलर चेंज कर सकते हैं हम। ये देखिए
कोई सा भी हम कलर चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए तुरंत कलर चेंज हो रहा है। इसको सेव करने के लिए डायरेक्ट ऊपर डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं ये फोटो सेव हो जाएगी हमारी गैलरी में सीधा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये अप्लाई करना ऊपर, फिर डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारी फोटो सेव हो जाएगी बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों कैसे लगी आज की ये वीडियो? अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी आप एडिटिंग करना सिखा सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।